बेअदबी की घटनाएं हुई अमृतसर के अंदर हुई, कपूरथला के अंदर हुई, जिस तरीके से अमृतसर के अंदर हुई है, तो उसका जो कहा जा रहा है कि कोई भी आईडी प्रूफ जो है वो नहीं मिला है। देखिए आईडी प्रूफ तो सोची साची जो है ये चल रही है, तो आप एक चीज नोट कीजिए ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी कौन सी पार्टी है जो बेअदबी हुई, कोली कांड हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी गुरु बाबा जी की बेअदबी हुई, तो किसने करवाया? अकालियों ने और कांग्रेस ने। जब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, उन्होंने जब इलेक्शन लड़े तब वो कांग्रेस में थे, तब उन्होंने गुटका साहब की बेअदबी करवाई, हाथ में लेके कस्में खाई। इन्होंने बेअदबी कराई जब इनकी गवर्नमेंट थी, तो ये दोनों ही पार्टियां करवाती। कैप्टन साहब की आपने बात करी, कैप्टन साहब अब बीजेपी के साथ मिल रहे हैं, तो अब कैसे देखते हैं पंजाब में किस तरीके से जाएंगे वो चुनाव में, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने बेअदबी की घटनाएं घटवाई। करा नहीं जा सकता कि जब गुटका साहब हाथ में लेकर तुमने कसमें खाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, तब तो आप कांग्रेस में थे, ठीक है, और आज ठीक है आप हमारे बीजेपी में हमारे साथ आ गए हैं, तो उस टाइम तो वो कांग्रेस में थे ना, तो बेअदबी तो हुई है ना। तो देखिए वे तो एक गुरु घर की एक चीज है कि जो आदमी गुरु घर को बदनाम करता है और बेअदबी करता है वो सजा तो भुगतता है। क्या चुनाव नजदीक है, ऐसी घटनाएं जो हो रही है वो राजनीतिक स्टंट है? हाँ, उसके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड होगा। आज ऐसा कोई आदमी नहीं है मार्केट के अंदर कि जिसके पास मोबाइल ना हो, जिसके पास अपना कोई प्रूफ ना हो, बेशक कहीं का भी रहने वाला हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी रहने वाला। अब जो हरिमंदर साहब में बेअदबी करवाई उसकी करवाई गई है, वो भी एक साजिश थी कि उसके ऊपर ना कि किसी को पता ना चले कौन है, ना उसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिला, ना फोन मिला, ना कोई उसका नाम का पता चला, ना कुछ। वही चीज उसी तरीके से इसमें भी हुआ है, जो लुधियाना गोलीकांड में हुआ। आप देख रहे हैं नो द टेंस पंजाब केसरी टीवी। पिछले हफ्ते से पंजाब में जो हैं हालात थोड़े से बेकाबू होते जा रहे हैं, पहले बेअदबी की घटनाएं और उसके बाद कल लुधियाना के अंदर ब्लास्ट हुआ है, इसको बीजेपी के नेता इंद्रजीत जी कैसे देखते हैं? हमारे साथ इंद्रजीत जी हैं। इंद्रजीत जी, लगातार पिछले 3 महीने पहले आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव नज़दीक हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए इसके विजय मैं आपको एक थोड़ा सा पहले तो आपको बहुत पीछे लेके जाना चाहूँगा कि जब से मैं देखा, मैंने अपनी होश संभाला है, तो पहले क्या होता था, अभी पंजाब की हिस्ट्री पढ़ ली है तो वहाँ पे दो ही पार्टियाँ थी, तीसरी कोई पार्टी आज तक ना उठी है। आप देखिए क्या चेंज आ रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, पर उससे पहले दो ही पार्टियाँ थी, कांग्रेस थी या अकाली दल था। तो अकाली दल क्या होता था, बादल तोड़ा और तलवंडी तीनों मिल जाते थे, जब इकट्ठे होते थे गवर्नमेंट भी बना लेते थे, और जब ये आपस में ताकतों के पीछे लड़ पड़ते थे तो ये कांग्रेस 2.5 साल के बाद इनकी गवर्नमेंट गिर जाती थी, तो फिर 5 साल के लिए कांग्रेस आ जाती थी। तो मैं ये चीज़, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस हो रही है इनमें और कोई तीसरी पार्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हिस्ट्री पढ़ो तो ये दो ही पार्टियां हैं जो कि पंजाब को लोगों को डरा धमका के, जब रूलिंग पार्टी होती है, और रूलिंग पार्टी क्या करती है, वो तो अपनी सेफ साइड लेके चलती है, जो अपोजिशन होती है इलेक्शनों के दिनों में वो बदनाम करने की कोशिश करती है, उनको भी बदनाम करना है कि देखिए ये संस्था जो कांग्रेस पार्टी है या जो रूलिंग पार्टी है वो प्रॉपर से शासन ठीक नहीं कर रही, बम पटाखे करवा देते हैं, इनको पब्लिक से कुछ नहीं लेना देना, पब्लिक मरे या कैसा भी हो, इनको तो ये दिखाना कि उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही। अब जब अकाली दल आ जाएंगे, इलेक्शन दोबारा से टेरे हो जाए तब भी ये होंगे, वो कांग्रेस करवाएगी फिर अकाली दल को बदनाम करने की। तो ये सारी सियासत जो है ये इन्हीं की, कांग्रेस और अकाली दल की है, तीसरी कोई पार्टी को मैं नहीं बदनाम करूँगा। लेकिन बेअदबी की घटनाएं हुई अमृतसर के अंदर हुई, कपूरथला के अंदर हुई, जिस तरीके से अमृतसर के अंदर हुई है, तो उसका जो कहा जा रहा है कि कोई भी आईडी प्रूफ जो है वो नहीं मिला है।
देखिए, आईडी प्रूफ तो सोची साची सोची साची जो है ये चल रही है। तो आप एक चीज़ नोट कीजिए ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी कौन सी पार्टी है जो बेअदबी हुई, कोली कांड हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी गुरु बाबा जी की बेअदबी हुई, तो किसने करवाया? अकालियों ने और कांग्रेस ने। और जब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, उन्होंने जब इलेक्शन लड़े तब वो कांग्रेस में थे, तब उन्होंने गुटका साहब की बेअदबी करवाई, हाथ में लेके कस्में खाई। इन्होंने बेअदबी कराई जब इनकी गवर्नमेंट थी। तो ये दोनों ही पार्टियां करवाती हैं। कैप्टन साहब की आपने बात करी, कैप्टन साहब अब बीजेपी के साथ मिल रहे हैं, तो अब कैसे देखते हैं पंजाब में किस तरीके से जाएंगे वो चुनाव में? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने बेअदबी की घटनाएं घटवाई हैं। नहीं देखिए, मैं जो बात सच्ची बात है उसको नकारा नहीं जा सकता कि जब गुटका साहब हाथ में लेकर तुमने कसमें खाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, तब तो आप कांग्रेस में थे, ठीक है। और आज ठीक है, आप हमारे बीजेपी में हमारे साथ आ गए हैं, तो उस टाइम तो वो कांग्रेस में थे ना, तो बेअदबी तो हुई है ना। तो देखिए, वे तो एक गुरु घर की एक चीज़ है कि जो आदमी गुरु घर को बदनाम करता है और बेअदबी करता है वो सज़ा तो भुगतता ही है। क्या चुनाव नज़दीक हैं, ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं वो राजनीतिक स्टंट है? ये टोटली राजनीतिक स्टंट है ना, तो उसका पता लगेगा जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, क्योंकि उसको आप देखिए, एक चीज़ नोट कीजिए, हम गरीब से गरीब आदमी भी जहाँ उसके पास अपना आइडेंटी कार्ड होगा, आज ऐसा कोई आदमी नहीं है मार्केट के अंदर कि जिसके पास मोबाइल ना हो, जिसके पास अपना कोई प्रूफ ना हो, बेशक कहीं का भी रहने वाला हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी रहने वाला हो। अब जो हरिमंदर साहब में बेअदबी करवाई उसके करवाई गई है, वो भी एक साजिश थी उसके ऊपर, ना कि किसी को पता ना चले कौन है, ना उसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिला, ना फ़ोन मिला, ना कोई उसका नाम का पता चला, ना कुछ चला। वही चीज़ उसी तरीके से इसमें भी हुआ है, जो लुधियाना गोलीकांड में हुआ है, उस आदमी का कोई सबूत नहीं, वो ये बीच में मारा भी गया, वो ना उसके पास आधार कार्ड मिला, ना उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिला, ना मोबाइल मिला, सिर्फ एक उसके बाजू पे खंडे का निशान था, दैट्स इट। अब ये एक जो भी बंदा जिससे करवाता है, वो जो बंदा जो दूसरा करेगा तो नेचुरली कोई ना कोई तो सबूत छोड़ेगा। अब ये एक प्लान है सारा के बदनाम करने का कांग्रेस को, क्योंकि अब बीजेपी ने जो कांग्रेस के मुद्दे थे किसानों के, वो भी वापस ले लिए, और जो उनको चाहिए था किसानों को उससे ज़्यादा बढ़कर दिया है मोदी जी ने। अब इनको ये डर लग रहा है कि ये तीसरी शक्ति कहीं उठ के ना आ जाए, ये मेन चीज़ है, और कोई बात नहीं है। और भगवान ने चाहा, मैं वही पूछ रहा हूँ कि पंजाब में बीजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, आने वाले टाइम में भविष्य बहुत अच्छा है बीजेपी का, क्योंकि देखिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि पब्लिक जो है, मैं पंजाब में रहता हूँ, पब्लिक के जो व्यूज़ हैं वो देखे हैं। अब पब्लिक पंजाब से कांग्रेस से दुखी हो चुकी है और अकाली दल से भी दुखी है, वो इनको देख चुकी है। अब जब तक पंजाब का भला नहीं हो सकता जब तक कि तीसरी पार्टी ना उसमें बने, ना कभी तीसरी गवर्नमेंट ना बने। अब तीसरी गवर्नमेंट बनेगी, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है पंजाब का भला क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेंटर में बीजेपी है तो ही जाके पंजाब का भला हो सकता है, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो। टक्कर किससे रहने वाली है इस बार अगर चुनाव की बात करें तो? इसमें टक्कर जो रहेगी नेचुरली तीनों के साथ रहेगी, आम आदमी पार्टी के साथ भी रहेगी, कांग्रेस के साथ भी रहेगी और अकाली दल के साथ भी रहेगी टक्कर तो। पर इसमें ये है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। मैं केजरीवाल जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आदमी को निकम्मा करने में ये इसने तो, केजरीवाल जी ने तो समझ लो कि सुखबीर बादल से भी वो डींगे मारनी शुरू कर दिए। अब बेसिकली पंजाब के अंदर देखा जाए कोई राजनीति नहीं हो रही, पंजाब के अंदर एक ड्रामा हो रहा है। तो तीन कॉमेडियन मिले हुए हैं, एक ठोको ताली है सिद्धू, एक भगवंत मान है जो अपनी कॉमेडी से मशहूर है, उसके बाद एक सुखबीर बादल जी आ गए हैं, उनको पता नहीं लगता मैं क्या बोल जाता हूँ। वो एक ड्रामा सा हो रहा है पंजाब के अंदर।
इन तीनों पार्टियों का। लेकिन बीजेपी पहले अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती थी पंजाब के अंदर, लेकिन अब जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ में आ रहे हैं और बात शिरोमणि अकाली दल संयुक्त से भी चल रही है, क्या लगता है कि बीजेपी अपना खाता जो है वो पंजाब के अंदर खोल पाएगी? बीजेपी खाता नहीं खोलेगी, और मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, पर इतना ज़रूर कहूँगा और दावे के साथ कहता हूँ कि 99% गवर्नमेंट बनेगी, 1% ऊपर वाले के ऊपर छोड़ता हूँ, और 100% गवर्नमेंट बनेगी बीजेपी की, और तो सहयोग से मिले बेशक। तो बिल्कुल, ये थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंदरजीत सिंह, जिन्होंने पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।